डेरिवेटिव को प्रूफ हेर्न गइरहेछ। सुरुमा साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई फंक्शन छ लेट। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ले गर्छौं हामी यो डेल एक्स एंड डेल वाई बी स्मल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। सो वाई प्लस डेल वाई भनेको साइन एक्स प्लस डेल एक्स हुन्छ हैन। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त डेल वाई भनेको साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। अब साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला लाइन भने यो टू साइन डेल एक्स बाई टू इंटू कस टू एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू हुन्छ हैन। अब डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको साइन डेल एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई डेल एक्स बाई टू हुन्छ। यो टू यता झऱ्यो हैन, यो भनेको कस टू एक्स प्लस प्लस डेल एक्स बाई टू जीरो। डेल वाई बाई डेल एक्स गऱ्यौँ भने के आउँछ त लिमिट डेल एक्स टेन्स टू जिरो साइन डेल एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई डेल एक्स बाई टू इन्टू कस टू एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू। दुइटालाई सँगै लिमिट लगाइदिउँ भने के हुन्छ त यो त वान हुन्छ किनभने लिमिट एक्स टेन्स टू जिरो साइन एक्स साइन एक्स भनेको वान हुन्छ। यतापट्टि डेल एक्स टेन्स टू जिरो गरेपछि डेल एक्स जिरो भन्छ यता कस टू एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू कस एक्स हुन जान्छ। देयरफोर डी साइन एक्स बाई डिएक्स भनेको चाहिँ कस एक्स आउने रहेछ। त्यसै गरी डी कस एक्स बाई डिएक्स भनेको चाहिँ माइनस साइन एक्स हुन्छ ठिक छ। अर्को छ टेन एक्स वाई इज इक्वल्स टू टेन एक्स। अब वाई प्लस डेल वाई भनेको के हुन्छ त यो टेन एक्स प्लस डेल एक्स हुन्छ। डेल वाई डेल एक्स माइनस टेन एक्स यो भनेको साइन एक्स प्लस डेल एक्स कस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बाई कस एक्स। अब के आयो त एक्स प्लस डेल एक्स इन्टू कस एक्स माइनस साइन एक्स इन्टू कस एक्स प्लस डेल एक्स बाई कस एक्स प्लस डेल एक्स इन्टू कस एक्स। अब यो भनेको त साइन साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स आउँछ बाई कस एक्स प्लस डेल एक्स इन्टू कस एक्स। यो डेल वाई भयो। अब डेल वाई बाई डेल एक्स गऱ्यो भने हामी के लेख्न सक्छौँ त साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स इन्टू वान बाई कस एक्स प्लस डेल एक्स इन्टू कस एक्स। अब लिमिट डेल एक्स टेन्स टू जिरो डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको त के हुन्छ डिवाई बाई डिएक्स हुन्छ। सो यतापट्टि लिमिट डेल एक्स टेन्स टू जिरो साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स इन्टू वान बाई कस एक्स प्लस डेल एक्स इन्टू कस एक्स होइन कस एक्स। अब यो भनेको त वान हुन्छ, यतापट्टि के आउँछ वान बाई कस एक्स इन्टू कस एक्स हुन्छ कस स्क्वायर एक्स, यो भनेको सेक स्क्वायर एक्स आउँछ। देयरफोर डी टेन एक्स बाई डिएक्स भनेको सेक स्क्वायर एक्स आउँछ। त्यसै गरी डी कट एक्स बाई डिएक्स भनेको चाहिँ माइनस कसेक स्क्वायर एक्स प्रुभ गर्न सकिन्छ। एक्स जुनलाई हामी वान बाई कस एक्स लेख्न सक्छौँ। वाई प्लस डेल वाई भनेको वान बाई कस एक्स प्लस डेल एक्स, डेल वाई भनेको वान बाई कस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वान बाई कस एक्स हुन जान्छ। यसको अब एलसिएम लिउँ, कस एक्स माइनस कस एक्स प्लस डेल एक्स बाई कस एक्स प्लस डेल एक्स इन्टु कस एक्स भयो यहाँनेरि ठिक छ। अब यो भनेको टू साइन टू एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू इन्टु साइन डेल एक्स बाई टू बाई कस एक्स प्लस डेल एक्स इन्टु कस एक्स होइन कस सी माइनस कस डीको फर्मुला लगाएको। अब यहाँ डेल वाई बाई डेल एक्स गऱ्यो भने साइन टू एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कस एक्स प्लस डेल एक्स इन्टू कस एक्स। र यतापट्टि के आयो त साइन डेल एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई डेल एक्स बाई टू भयो।
अब यहाँ लिमिट डेल एक्स टेन्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स गरिम भने लिमिट डेल एक्स टेन्स टू जीरो अब यहाँ दुईटालाई छुट्याइदिउँ भने साइन टू एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कस एक्स है यतापट्टि लिमिट डेल एक्स टेन्स टू जीरो साइन डेल एक्स बाई टू अब यहाँ कति आउँछ त साइन टू एक्स बाई टू र यहाँ कस स्क्वायर एक्स आयो यतापट्टि त वान आइहाल्यो र यो भनेको साइन एक्स बाई कस एक्स इन्टु एउटा कस एक्स माथि लगाउने सेक एक्स हुन्छ होइन साइन एक्स टेन एक्स इन्टु सेक एक्स आयो सो यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डिवाई बाई डिएक्स हो सो डी सेक एक्स बाई डिएक्स भनेको चाहिँ टेन एक्स इन्टु सेक एक्स आउने रहेछ त्यसै गरी डी कसेक एक्स बाई डिएक्स भनेको चाहिँ माइनस माइनस कसेक एक्स इन्टु कट एक्स आउँछ।